मिश्रा जी, ये सवाल बीएसपी को फायदा क्या हुआ? नहीं देखिए, फायदे दो तरीके के होते हैं, मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। जी जी, ठीक है। देखिए, हो सकता है यहाँ पे प्रत्यक्ष कोई फायदा ना रहा हो, यहाँ पे कैंडिडेट जो है आपके समाजवादी पार्टी का हो, लेकिन सबसे पहला फायदा ये कि एक लिटमस टेस्ट लेने के लिए, और एक ये जो भय की प्रवृत्ति विपक्षी पार्टियों में, भाजपा लगातार जो है सब जगह चुनाव जीतती जा रही थी, तो सारे विपक्ष में एक ये क्वेश्चन मार्क उनके बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि भाजपा को कैसे रोका जाए, भाजपा को कैसे रोका जाए। तो डायरेक्ट फ्रंट पे ना आते हुए बीएसपी ने जो सपोर्ट दिया है वो एक लिटमस टेस्ट था कि भाई ये फार्मूला हिट होता है, सक्सेस होता है कि नहीं होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखिए मैं बिना किसी लाग लपेट के आपको बताऊंगा कौन जीते कौन हारे, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मैं उस तरीके से भी बीइंग अ पॉलिटिकल कंसल्टेंट मेरी एनालिसिस ऐसे नहीं रहती है कि जी जनता ने वादा खिलाफी के कारण वोट दिया। हम तो डायनामिक्स को पकड़ते हैं सर। अगर देखिए डायनामिक्स को देखा जाए, और मैं फूलपुर सीट के लिए मैंने बहुत पहले डिक्लेयर किया था, भले ही सब लोग बोल रहे थे भाजपा, तो यहाँ पे ये जो हार और जीत है, देखिए सेंट्रल पार्टी बीजेपी की जो सेंट्रल पार्टी है उनका कोई रोल नहीं था। अगर सेंट्रल पार्टी बीच में कूदती है इलेक्शन मैनेजमेंट में तो उसके इम्पैक्ट दूसरे होते हैं। ये सारा का सारा जो दारोमदार है वो क्वेश्चन मार्क उठेगा जो लोकल बॉडीज हैं जिन्होंने इस इलेक्शन को मैनेज किया, जो लोकल लीडर है, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य जी हो चाहे योगी जी हो, पहली चीज। दूसरी चीज, इससे बेनिफिट क्या होगा? देखिए बेनिफिट 2019 के इलेक्शन के लिए सबसे पहला बेनिफिट देखिए इसका, मैं ये मानता हूं ना कि अगर पार्टी में जीत का अकाल पड़ा हो, आपकी सारी